بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم من محترم इस्लामी भाई और बहनों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आपकी खिदमत में आपका शेख फकीर मोहम्मद खोखर हाजिर है। पिछले एतबार को बयान नहीं हुआ था, दो एतबार इंशाल्लाह आज से बकायदा हर बुध को और हर एतबार को भी बयान हुआ करेगा इंशाल्लाह। आज क्योंकि वीकेंड जो आ रहा है थैंक्सगिविंग का है, तो इस विषय से आज मेरा जो टॉपिक है वो थैंक्स के ऊपर है, थैंक्सगिविंग के ऊपर है, शुक्र यानी शुक्र के ऊपर है। हम मुसलमान साल में एक दफा या दो दफा नहीं मनाते, बल्कि हमसे तकाजा रब्बुल इज्जत का ये है कि 24 घंटे हर सांस के साथ हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसके बंदों का भी शुक्र अदा करें जो हम पर एहसान करें। तो सबसे पहले मैं कुरान जी के चंद आयात का आज से तज़किरा करूंगा और उनका साथ तर्जुमा भी तिलावत और उनका तर्जुमा भी बयान करूंगा। तो कुरान जी सबसे बड़ा बेहतरीन बयान है। तो अल्लाह ताला ने कितनी दफा कुरान जी में इस शुक्र के बारे में हमें हुक्म दिया है। एक आयत पाक है, वो अम्मा की निकमती रब्बी का फहद्दिस, अपने परवरदगार की नेमतों क्या बयान करते रहो, यानी बयान करना नेमतों का शुक्र की अलामत है, यानी शुक्र अदा करते रहो। ये सूरह तुहा की आयत है। अब एक आयत मुबारक आ रही है, वَإِذْ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ। और जब तुम्हारे परवरदगार ने तुमको आगाह किया, तुम्हें हुक्म दिया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, यानी जिस नियमत का शुक्र अदा करेंगे उस नियमत में अदाफा फरमाएंगे, और ना शुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अजाब भी सख्त है। नाशुक्री से बहुत नुकसान होता है और शुक्र से अल्लाह नियतों में अज़ाब फरमाते हैं। आयत मुबारक फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तो तुम मुझे याद करो शुक्र के साथ, मेरी नियतों को याद करते हुए मुझे याद करो और मैं तुम्हें याद करूंगा, नेमते और दूंगा आपको और नेमते देकर आपको याद करूंगा,
मेरा एहसान मानते रहो, बस गुरु ही मेरा शुक्र अदा करते रहो। शुक्र का माने एहसान भी है, एहसान मानना किसी का ये शुक्र है। मेरा एहसान मानते रहो यानी शुक्र अदा करते रहो, और वो ला तक फुरू और ना शुक्री ना करो, या कुफराने नियम जो है या ना शुक्री है। इसलिए काफरों काफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ना शुक्रे हैं, अपने खालक मालक की नियमतों की कदर बिल्कुल नहीं करते, उसको मानते नहीं है। आयते मुबारक माँ यफ अल्लाह भी अजाबी हूँ भी अजाबी कुम इन शकर तुम व आ मन तुम व कान अल्लाह शाकिरन अलीमा। अगर तुम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होगे तो उस पर ईमान ले आओ तो अल्लाह ताला तुमको अजाब देकर क्या करेगा। इसका मतलब हुआ अगर हम शुक्र अदा करें और ईमान ले आए तो इंशाल्लाह अजाब से निजात मिलेगी, और अल्लाह तो कदर शनास और दाना है। और ऐसे मुबारक है और आराफ की वाकर मकन्ना को फिर अर्द वजालना तको फिर हम आयश कई लम्मा तश्कुरू, और हम ही ने जमीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रोजी के सामान पैदा किए, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। अल्लाह ने रोजी दी, रहने के लिए मकान दिया, जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम को हम सबको आबाद किया, और हम अल्लाह ताला की शिकायत कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं कि हम शुक्र अदा नहीं करते। और ऐसे मुबारक है वाकद आतैना लुकमानल हिकमत अनिशकुर लिल्लाह, हमने लुकमान अलैहिस्सलाम को दानाई बख्शी और क्या हुक्म दिया कि अल्लाह का शुक्र करो। मैं यशकुर इन्नमा यशकुर लफ्ज़ ही, और जो शख्स शुक्र अदा करता है अपने भले को अपने लिए ही शुक्र अदा, उसका फायदा उसी को होगा। मन कफर फहरा तो इन्नल्लाह गनीयुल हमीद, जो ना शुक्री करता है तो अल्लाह भी बेपरवाह है और तमाम तारीफों का वही मालिक है। ऐसे मुबारक इन रब्बा का लज़ू फ़ज़ल अलन्नास वलाकिन किन्ना अक्सर हम ला यशकुरून, और तुम्हारा परवरदिगार तो लोगों पर फजल करने वाला है लेकिन इनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। आइए अपना टोल लें क्या हम शाकर हैं, शुक्र अदा करते हैं। ऐसे मुबारक सूरह तपास से है सुम्मा लाता से उलना यौम इज़न अनि नईम, फिर उस रोज क़याम के रोज तुमसे शुक्र नेमत के बारे में सवाल होगा कि मेरी नेमतों का क्या इस्तेमाल सही किया या नहीं। चूंकि नेमतों का सही इस्तेमाल करना भी शुक्र की अलामत है। सूरह रहमान कितनी दफा अल्लाह ताला से बात को जितलाते हैं, हाबे अय्ये आलाय रब्बिकुम आस्कदिफा, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जिताओगे यानी नाशुकरी करोगे। इसलिए बार बार अल्लाह पाक नेमतें गिनवाई है वहां, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उसके शुक्रगुजार बंदे बने। आते मुबारक सूरह खास में अलकिया फी जहन्नम कुल्ला कफारिन अनीद, हर सरकश और ना शुक्रे को जहन्नम में फेंका जाएगा। अल्लाह ताला ने महफूज फरमाए और हमारी जिंदगी शुक्र से बढ़ी हो, आमीन। आखिरी आयत मुबारक आयात बहुत और है इतनी काफी है। इन्नल्लाह यदाफिर अनिल्लाजीना आमन इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खवान कफूर,
अल्लाह ताला तो मोमिनों से उनके दुश्मनों को हटाता ही रहता है। बेशक अल्लाह ताला किसी शानत करने वालों और ना शुक्रे नेमत का शुक्र ना करने वालों को दोष नहीं रखता। जो शुक्रगुजार बंदा होता है, बंदी होती है, अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेते हैं, अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है, और जो नाशुक्रा होता है अल्लाह ताला उसको दोस्त नहीं बनाते, नफरत करते हैं। सोचिए हम ये चंद आयात है, एक ही हुक्म काफी है, लेकिन और भी आयात कुरान में जितनी है, ये का मफहूम जो है ये शुक्र के बारे में है। दो तीन हदीसें पाक हैं, इसका मफहूम यूं है, जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं है। उसको बंदों का शुक्रिया अदा करना अल्लाह ताला का ही शुक्रिया अदा करना है। फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्नल ईमान निस्फान निस्फुन साबरून निस्फुन शुक्रन। बेशक ईमान दो हिस्से हैं, आधा हिस्सा सब्र और आधा ईमान शुक्र है। अगर इंसान की जिंदगी शुक्र और सब्र के साथ होगी तो इसका ईमान कामिल है। एक हदीसे पाक है जिसका मफहूम यूं है कि मोमिन की शान अजीब है कि अगर उसको खैर मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला की तारीफ करता है, अगर कोई मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है। आइए अब शुक्र की हकीकत क्या है, शुक्र होता क्या है। दिल से किसी का एहसान मानना जिसके नतीजा में दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए ये शुक्र है। नहायत आजिज़ी से मुनअम की नेमत का इकरार करना जिसे नेमत दी है, खालक की जात हो या खालक के जात ने अल्लाह ताला ने किसी बंदे के जरिए नेमत अदा की हो उसका इकरार करना दिल से और जुबान से नहायत आजिज़ी के साथ ये शुक्र का आला मुकाम है। और मुनिम को मुनिम जो नियमते देने वाला है जिसे आप पर एहसान किया है उसका शुक्र अदा करना। लेकिन याद रहे हकीकत हर नेमत अल्लाह ताला की तरफ से ही नसीब होती है, वो अल्लाह ताला असबाब पैदा करते हैं और उस बाब का भी शुक्र अदा करना हमारे ऊपर लाजिम है। शुक्र अदा करने से अपने आप को आजिज़ समझना आला लेवल का शुक्र है। कि बंदा समझे कि मैं जो नेमत मिली है इसका हकदार नहीं हूं, अपने आप को हकदार ना समझना। जो अल्लाह ताला की सुन्नत अलाइया ये है कि अता करने के लिए किसी न किसी सबब को वो इख्तियार करते हैं, लिहाजा सबब और मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह तआला की ज़ात और सबब जो बंदा इस रास्ते में वास्ता बनता है तो दोनों का शुक्र अदा करना वाजिब है। आइए मैं शुक्र की अकसाम क्या है। सबसे पहली किस्म शुक्र की है शुक्र लसानी, यानी नेमत मिले कोई एहसान करे तो जुबान से कलमा शुक्र कहना। बेहतरीन कलमा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उस मुनिम की तारीफ करना जुबान से और उसके लिए दुआ करना।
ये लिसानी शुक्र है, ये जता का शुक्र है। जता से शुक्रिया, जजाकल्लाह का कहना और समाज की तारीफ करना और उसके लिए दुआ करना। दूसरी किस्म शुक्र की है शुक्र कल्बी, दिल दिल से खुश होना, दिल से किसी का एहसान मानना, किसी की ने कोई नेमत दी आपको, किसी ने आप पर कोई एहसान किया है, कोई मेहरबानी किया है, उसका दिल से एहसान मानना, दिल से खुश होना और दिल का जज्बात के शुक्र से भर जाना, ये कल्बी शुक्र कहलाता है। और ये शुक्र की रूह है कि जबान से थैंक यू कह रहे हैं और दिल साथ नहीं दे रहा, नहीं, जबान से भी शुक्र अदा करना है और दिल से भी शुक्र अदा करना है, तो अभी भी शुक्र जो है वो मुकम्मल नहीं है। तीसरा जो शुक्र है जो कि तकमील शुक्र करता है वो शुक्र अमली है, अमली शुक्र है, प्रैक्टिकल शुक्र। वो क्या है कि मुनइम, जिसने आप पर एहसान किया है, नेमत जिसने दी है, अल्लाह की जात या कोई बंदा, सिर्फ आप एहसान किया है अल्लाह के फजल करम से, तो उसका शुक्रिया अदा करना। और बंदे की खिदमत करने के लिए तैयार रहना, उसका बदला देना, जिसने आपको नेमत दी है, आप पर एहसान किया है, एहसान का बदला एहसान में देना। दूसरा अमली शुक्र यह है कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र यह है कि अल्लाह ताला के अहकाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हस्बे तौफीक मानना, ये अमली शुक्र है। अल्लाह का हुक्म नमाज पढ़ना, अगर आज नमाज नहीं पढ़ता वो शाकर नहीं है, अल्लाह दौलत दी है और वो दौलत में से गरीबों की मदद नहीं करता, वो शाकर नहीं है, ना शुक्र है वो। आइए आप शुक्र सुने किस किस्म की नेमतें अल्लाह पाक हमें साथ मारते हैं, चंद नेमत का अर्थ करता हूं। कल तो ये बात है कि इतनी नेमतें हैं, तो नेमत अल्लाह तो इतनी अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की नेमत अगर गिने हम नहीं गिन सकते, ला तादाद नेमतें हैं। 24 घंटे, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड हम पर अल्लाह ताला के इनामात की बारिश हो रही है, शुमार करना नामुमकिन है। अल्लाह ताला की रहमत तसलसल से बगैर किसी एक सेकंड की तोड़ के हम पर नाजल अल्लाह की रहमत हो रही है, कमी हम जी रहे हैं। ये कायनात अल्लाह की रहमत से ही कायम है, हर लम्हा सांस का अंदर जाना और हमारे सांस का बाहर आना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, अल्लाह ताला की ये बड़ी नेमत है, उसका एहसान है। तो हर सांस के बदले दो शुक्र का मुतालबा है, सांस अंदर जाए बाहर ही ना आए, बाहर का रहे, दिल की हर धड़कन शुक्र का मुतालबा कर रही है, जिस्म का हर उज्व, आंख शुक्र का मुतालबा करती है। फिर आंखें बंद करके देखें, खुदा खासा बड़ी बीनाई ना हो, आंख ना हो, सोचे जरा वेयर वी स्टैंड, हमारी क्या हालत होगी, मतलब बाथरूम नहीं जा सकते, सोचे जरा हमें एहसास नहीं है कान की नेमत, आंख ना होती हम नापीले होते, कान की नेमत ना होती हम बहरे होते, जबान की नेमत ना होती हम गूंगे होते। अब बताइए
किसके लिए बड़ी नीमते हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं है। ऐसे पलकों की नियमत, देखो पलकें जो हमारी हैं, अगर ये ना हो, ये वाइपर का काम करती हैं। बारिश हो रही है, गाड़ी का वाइपर खराब है, घर जा सकते आप? ऐसी आंखों के ऊपर अंदर जो गर्दा जाता है, उस गर्दे को बचाती है पलकें, हमारी पलकें, और बकायदा वाइपर का काम करती है। अभी हमने सोचा नहीं है ये। फिर जिस्म के अंदर कितनी मशीनें चल रही हैं, जिसको ना हमने चलाया है, ना हमने उसको मेंटेन किया है, कितनी फैक्ट्री चल रही हैं, निजाम में सांस है, फेफड़े काम कर रहे हैं, यूरिन सिस्टम है, आसाबी निजाम है, मुंह के गर्दे का, दिल का निजाम पूरा है, जब ऐसे पप काम कर रहा, कितनी मशीनें हैं, किस किस काम शुक्र अदा करें। अब आइए आला रब्बे कुमार कर देता, पानी की नियमत ले ले। आप पता है जब आप पानी पीते हैं बिस्मिल्ला भूल जाते हैं, ये ना शुक्र ही है। इस पानी के गिलास के पीछे अल्लाह ताला कितना बड़ा निजाम है, कभी सोचा हमने? अभी सोचा हमने? अल्लाह ताला समुद्र का में पानी, और वो कड़वा है, वो वहां समुद्र का पानी कड़वे से बादलों को बुखारात उठाते हैं, और बुखारात को ये बादल जो हैं, वो सवारी का काम देते हैं, और उनको पहाड़ों की तरफ हवा ले जाती है, बादलों को हवा काम कर रही है एक फ्लास्क पानी के लिए छोटे, और वहां पहाड़ों के ऊपर तो बादल बरसाते हैं, और वो खास पानी होता है, वो बर्फ बन जाता है, और फिर थोड़ा थोड़ा करके दरियाओं के जरिए, नालों के जरिए, नहरों के जरिए अपने पूरे मुल्क में आता है, और वहां पर वाटर पंप से हम निकालते हैं। अगर पहाड़ों पर बर्फ ना हो, जब तक ये बादल जाकर पानी बरसा दें, तो मुल्क में फलाक आए हमेशा। ये अल्लाह का इंसान है, खालिस पानी हमारे लिए अल्लाह ताला एक सोचे जरा, लेकिन हमें कभी सोचा है कि जब पानी पीते हम ऐसे पानी जाया भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह की नियमत है पानी, इसको ऐसे बहाना नहीं चाहिए। एक लोटा वजू के लिए चाहिए, दो लोटो क्या जरूरत है? सवाल होगा, हर नियमत का सवाल हुआ होगा। अल्लाह ताला जानवरों को अकल कम दी है, ताकत ज्यादा दी है, अल्लाह अकबर, और हमें अकल ज्यादा दी है, और जानवरों को अकल ज्यादा दी होती तो जानवर हमारे मातहत होकर जिबा ना होते। सुने गौर से, अल्लाह ताला ने जानवरों को हमारे ताबे कर दिया, शेर को, घोड़े को हमारे ताबे कर दिया, और घोड़ा कितना वफादार है कि मैदान जंग में अपनी छाती पर वो गोली खाता है, नेजा खाता है, और अपने मालक सवार को बचाता है, जिसको सिर्फ हम सुबह शाम दाना डालते हैं, पानी पिलाते हैं, क्या हम अपने खालक और बालक का इतने फर्मा बरदार हैं, इतने जानवर हैं? और सबसे उज्मा नेमत जो अल्लाह ताला हमें अता की है, वो ईमान की नेमत है, वो इस्लाम की नेमत है, और साथ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की जो नेमत, इसका तो बदल ही नहीं कोई है। फिर नेक आमाल की तौफीक, आप यहां सुन रहे हैं, नेक अमल की तौफीक आप अल्लाह ताला ने दी है, इसका शुक्र अदा करें। मैं अल्लाह का शुक्र, मैं भी अदा कर अल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तूने मुझे दीन की बात करने की, पहुंचाने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ताला ने अमल की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ताला हमारे बाद देने की नेमत दी। कितने बच्चे यतीम हैं,
कितने बजे जी को आपके बाप का पता नहीं है, आपकी माँ का पता नहीं है, वो बेचारे यतीम खाने में पड़े हुए हैं। सोचे जरा, ईद के दिन उनके सर पर हाथ फेरने वाला कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत दी है, गुनाहों से बचने की नेमत दी है, अल्लाह ताला ने माल और दौलत की नेमत दी है। गरीबों को देखो बेचारे मजदूरी करते हैं बेचारे, वो तो लोग। और याद रखिए, हमें कभी ना सोचना चाहिए कि मैं अगर अमीर हूं तो अपनी मेहनत की बिना पर, ये गलत सोच है। कई लोग बिल्कुल मेहनत नहीं किए, करोड़पति हैं, और कई मजदूर सारा दिन मेहनत करते हैं, बेचारे गरीब हैं। ये अल्लाह का कर्म है, जाल का फजलुल्लाह है, ये उतनी है मैं अच्छा तो अल्लाह फजल अजीम, अल्लाह सेहत अदा की हमें, अल्लाह हमें डॉक्टर अदा किए, पर आजादी की नियमत। अगर हम गुलाम होते अपने मास्टर के, अपने आकर कोड़े खाते, तो नींद अकल दी है, और अकल ना हमें दी होती तो बाजारों में फिरते, लोग पत्थर मारते, लोग पागलों को पत्थर मारते हैं। शुक्र अदा करें, अल्लाह ने अकल दी है, मुलाजमत दी है, बेकार नहीं है, कारोबार दिया है, और नेम से जौज अता फरमाई, हमें अल्लाह जौज अता, खाब अता फरमाया, कितनी बड़ी नेमत है, सर का ताज अता फरमाया, जौज अता फरमाई, घर से मरका अता फरमाई, जो मेरे लिए सुकून का बायस है। याद रखें, हमेशा अपने से नीचे वाले को देखें, कम तनखा वाले को देखें, झोपड़ी वाले को देखें, बीमारों को देखें, तो आपको शुक्र का मौका मिलेगा। अगर अगर आप करोड़पति वालों को देखोगे, मोहल्लों वालों को देखोगे, तो नाशुक्री होगी, जिसका अजाब जो है वो सख्त है। ये बयान आधा खत्म हुआ है, बाकी आधा बयान इंशाअल्लाह अतबार के रोज होगा। वो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यासिफून, वस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए थोड़ा सा मुराकबा फरमा लें, अपनी आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। ये कल भी जिक्र है, जिसका कुरान जीद में हमें हुक्म है, जिसका फायदा मैंने पहली बार किया था, कि परेशानी का, डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है, अल्लाह के मोहब्बत हासिल करने का बेहतरीन इलाज है। ये ऐसा खुफिया अमल है जिसको फिरते ही जानते हैं। आइए अपने सर आखिर बंद फरमा लें, सर को झुका लें, अपने चेहरा मुबारक जिक्र करें, और ये फर्ज करें, अल्लाह ताला की रहमत मेरे ऊपर आ रही है, मेरे कल्ब अल्लाह की रहमत नाजल हो रही है, और मेरे दिल की स्याही दूर हो रही है, तमाम गम और फिक्र मेरे दूर हो रहे हैं। इसके शुक्र में मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
अपने मन में डूब कर पा जा सुभावे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुभावे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बन ता न बन अपना तो बन, अपने मन में डूब कर पा जा सुहावे जिंदगी। मन की दुनिया सोज़ो मस्ती ओ जज़्बो शौक, मन की दुनिया सोज़ो मस्ती ओ जज़्बो शौक, तन की दुनिया सोज़ो सौदा ओ मकरो फन, मन की दौलत हाथ जब आती है फिर जाती नहीं, मन की दौलत हाथ जब आती है फिर जाती नहीं, तन की दुनिया छाँव है आता है धन जाता है धन, पानी पानी कर गई मुझो को कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझो को कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आ के न तन तेरा न मन, पानी पानी कर गए मुझ को मुर्शिद की ये बात, तू झुका जब नफ्स के आ के न तन तेरा न मन, पानी पानी कर गए मुझ को कलंदर की ये बात, तू झुका जब नफ्स के आ न तन तेरा न मन। لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي دعاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اني أعوذ بك من البرس والجنون والجزام من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام من سيء الأسقام. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله استعنت بالله أفوض أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
या अल्लाह हमारे जुर्मों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारी नाशुकरी को माफ फरमा, पूरी तौबा का या अल्लाह हम बड़ी नाशुकरी की है, हमें नाशुकरी को या अल्लाह माफ फरमा, या अल्लाह शुक्र गुजार बंदा बंदी बना, या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, या अल्लाह हमारे जितने बीमार हैं उनको शिफाए कामला आया अता फरमा, हमारी तमाम रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमा, तमाम जिस्मानी बीमारियों से शिफाए कामला अता फरमा, या अल्लाह जो नरिंदा औलाद के खास मद अल्लाह को नरिंदा औलाद अता फरमा, या हमारे औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना, या अल्लाह हमारे बच्चे बच्चियों को बेहतरीन रिश्ते बेहतरीन जोड़े अता फरमा, या अल्लाह रिस्क में बरकतें अता फरमा, रूहानी रिस्क माफर अता फरमा, जिस्मानी रिस्क माफर अता फरमा, आपसे प्यार और मोहब्बत अता फरमा, या हजरत मौलाना रिज़वी साहब, आज़म हुसैन रिज़वी साहब दुनिया से रुख्सत हो चुके हैं, या अल्लाह उन्होंने दीन की खत्म नबूवत की बिलखसूस नामोस रसाद को बेहतरीन मेहनत की है, या उसकी मेहनत को कबूल फरमा और उस मेहनत को आगे हमें चलाने की तौफीक अता फरमा, उनको जन्नत अल-फ़िरदौस अता फरमा, अल्लाह जन्नत अल-फ़िरदौस अता फरमा, हमें भी नामोस रसाद के लिए कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा, हमें अपना बड़ी और अपना दोस्त बना, बड़ी मजे को कबूल फरमा, या जिन हजरात ने दुआओं के लिए कहा है, या उनकी हाजात को दुआओं को पूरा फरमा, जो कहना चाहते थे नहीं कह सके, या अल्लाह में गैब है, उनकी दुआओं को तो कबूल फरमा, या अल्लाह हमारी मजलिस को कबूल फरमा, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और अपना शुक्रगुजार बंदा बना, हर हर नेमत का शुक्र कर अदा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना मोहम्मद आलि व सहाबी अजमईन बिरहमतक या अरहम राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे की शादी माशाल्लाह बखैर वफीयत और वलीमा बखैर वफीयत हुआ, आप सब हजरात की दुआओं का शुक्रिया, ये दुआ करें अल्लाह ताला को रिंग औलाद अता फरमाए और खुशी खुशी जिंदगी गुजारे, और इंशाल्लाह आतवार को बाकायदा अल्लाह आतवार को प्रोग्राम हुआ करेगा, हर बुध को और आतवार को बाकायदा प्रोग्राम हुआ करेगा, आपसी दुआओं का शुक्रिया, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई उठो, खत्म हो गया, बस अब तक मेरा जानकारी।